हंसी आती है ऐसे ऐसे तांत्रिकों पे, दो तोता लेके घूमते होंगे रोड पे, बैठ जाते होंगे ये। एक ही बंदर वाला, मैं तो बंदर वाला नहीं, मैं तो फ्रेंच का दाढ़ी बना रखा है, ना हिंदू का पाता ना मुसलमान का पाता, ये जोकर लग रहा है, जोकर है ये। इस जोकर की बात मत सुनिए। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास पेशकश शंकराचार्य बनाम साईं भक्त। जी हाँ, अब शंकराचार्य बनाम साईं भक्त में एक जंग से छिड़ गई है, क्योंकि हम आपको ये बता दें, लगातार शंकराचार्य द्वारा साईं के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। अब सवाल ये कि आखिरकार क्यों बार बार साईं के अस्तित्व पर शंकराचार्य लगातार सवाल उठा रहे हैं, क्या वजह है, क्या जो आने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं ये कोई साजिश तो नहीं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से समर्थन मिलता आया है शंकराचार्य को, क्या ये वजह तो नहीं कि इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा अधिक जो है उसे बढ़ाया जा रहा है। सवाल ये भी खड़ा होता है, और लगातार सवाल ये कि जो जिस तरह से लगातार साईं के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं क्या हिंदू धर्म को भड़काने की कोशिश तो नहीं की जा रही, क्यों साईं को मुस्लिम कहा जा रहा है। साईं तो हमेशा से ये कहते हुए आए हैं कि सबका धर्म एक, तो फिर क्यों धर्म के नाम पर इस तरह के बंटवारे करने की कोशिश की जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे, साईं भक्त और शंकराचार्य भक्त इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाती हूँ, हमारे साथ विश्वविख्यात स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, भारत माता मंदिर हरिद्वार के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी स्वागत आपका। हमारे साथ तांत्रिक सम्राट डॉक्टर स्वामी ओम जी मौजूद हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ स्वामी मनुष्य मित्र साईं भक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत। संजय साईनाथ हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत। तो चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र पहले इस रिपोर्ट पर डालेंगे। शंकराचार्य ने हिंदू मंदिरों से साईं की मूर्ति हटाने का फरमान जारी किया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में लगे धर्म संसद में साईं समर्थकों के साथ धक्का मुक्की की गई। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को कांग्रेस का समर्थक माना जाता है। शंकराचार्य ने हिंदुओं में दो शादी करने की मांग उठाकर एक और विवाद को हवा दे दी। हमेशा से विवादों के चलते सुर्खियों में रहने वाले धर्मगुरु शंकराचार्य एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने में जुट गए। इस बार शंकराचार्य ने साईं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि साईं भगवान नहीं, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने साईं के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि साईं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए देश में साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य के इस विवादित बयान से साईं भक्तों को ठेस पहुंच रही है। विवाद इतना बढ़ गया है कि हर रोज साईं भक्तों और शंकराचार्य समर्थकों के बीच बहस हो रही है, फिर भी इसका कोई हल नहीं निकल रहा है। ये कहा जाता है कि शिरडी साईं बाबा हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, यही ना? तो ये तब प्रतीक होता जब उसको हिंदुओं के साथ साथ मुसलमान भी मानते, मुसलमान उसको मानते नहीं है तो हम ही क्यों माने? हमारी एकता का प्रतीक कहाँ है? वो हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक नहीं है। ये एक भ्रम है जो समाज में फैलाया गया और ये षड्यंत्र है। अब आप समझिए कि तिरुपति बालाजी की जो आमदनी है उससे कुछ कम आमदनी है, तो ये दूसरे लोग इसमें हावी हो रहे हैं। ये चाहते हैं कि भारत में हिंदू प्रधान न रहे, ये लोग जो है विभाजित होते रहे, इनकी सम्मिलित शक्ति न बढ़ने पाए। गौरतलब है कि दो दिन की धर्म संसद के पहले ही दिन 13 अखाड़ों और सभी शंकराचार्यों ने एक मत होकर कह दिया कि साईं भगवान नहीं है। वहीं धर्म संसद में साईं ट्रस्ट की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, जिसके कारण बहस नहीं हुई। दरअसल सरदार पटेल मैदान पर रविवार यानी 24 अगस्त को देश के 13 अखाड़ों और शंकराचार्यों ने नरेंद्र गिरी जी महाराज की अध्यक्षता में चर्चा शुरू की। सारे लोगों ने अपने अपने तर्क रखे,
लेकिन सभी के तर्क साईं को भगवान मानने के खिलाफ ही थे। यानी सभी इस बात पर एकमत हैं कि साईं भगवान नहीं है, उनकी पूजा नहीं की जानी चाहिए। देश के 13 अखाड़ों ने भी नरेंद्र गिरिजी महाराज की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास किया कि वे तमाम मुद्दों पर शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ हैं। हम आपको बताते हैं कि ये विवाद दरअसल शुरू कहां से हुआ। आज से 2 महीने पहले हरिद्वार में ये विवाद पत्रकारों के पूछे गए सवाल से शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में चतुर्मास के दौरान शंकराचार्य स्वरूपानंद ने साईं भक्तों को चुनौती देते हुए कहा कि कोई भी ये बता दे कि साईं की पूजा क्यों की जानी चाहिए, वो अपनी बात से किनारा कर लेंगे। देश भर में इसे लेकर बहस छिड़ी हुई है। कई स्थानों पर लोगों ने मंदिरों से साईं की प्रतिमा निकाल कर उसे विसर्जित कर दिया। कई जगहों पर शंकराचार्य स्वरूपानंद का विरोध भी हुआ। इतना ही नहीं, शंकराचार्य ने साईं को भगवान न मानने के लिए धर्म संसद में कई तर्क भी दिए। पहला तर्क, सनातन परंपरा में 5 देवों शिव, शक्ति, गणेश, विष्णु, सूर्य और 24 अवतारों की ही पूजा की जा सकती है। कलयुग में 2 ही अवतारों की चर्चा शास्त्रों में की गई है, बुद्ध और कल्कि। ये तीसरे साईं कहां से आ गए? साईं चरित्र ही स्पष्ट करता है कि 1918 में उनकी मृत्यु हो गई थी। एक नश्वर शरीर की आत्मा कहां गई पता नहीं, उसकी पूजा कैसे संभव है? साईं असत हैं, अचेतन हैं, अवचेतन हैं, वे गुरु भी नहीं, इसलिए उनकी पूजा संभव नहीं है। तीसरा तर्क ये दिया है कि सनातन परंपरा वेदों और शास्त्रों से चलती है, पूजा हिंदू विधि में ही संभव है। साईं तो हिंदू या मुस्लिम दोनों होने की संकल्पना को स्वयं नकार देते हैं, ऐसे में साईं की पूजा कैसे संभव है? शंकराचार्य के इस विवादित बयान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अक्टूबर में महाराष्ट्र और हरियाणा सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। कहीं सियासी फायदे के लिए तो शंकराचार्य ये सब कुछ तो नहीं कर रहे हैं? क्यों शंकराचार्य को कांग्रेस का लगातार समर्थन मिलता आया है? सुदर्शन न्यूज के लिए धीरज कुमार की रिपोर्ट। तो हम चर्चा शुरू करेंगे और सबसे पहले मैं आना चाहूंगी गोविंद देव महाराज जी आपके पास। जिस तरह से लगातार शंकराचार्य साईं के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होगी आपकी? समाधि के पश्चात 96 वर्षों के बाद में इस प्रकार का विवाद क्यों खड़ा किया गया है, उसके कारण क्या है, इसकी ओर तो मैं भी आ सकता हूँ लेकिन बाद में और भी लोग आएंगे। लेकिन एक बात मुझे स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए कि ये सारी बात असत्य के ऊपर आधारित है। ये सारा इसलिए किया जा रहा है और इस प्रकार से कहा जा रहा है जिसके लिए कोई आधार नहीं है। मैं उस जिले से हूँ जो नगर जिला, जहाँ पर शिरडी विद्यमान है और साई नाथ जी के सारे साहित्य का मैंने ठीक से अध्ययन किया है। उस सारे अध्ययन को मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। साई बाबा ये जन्म से ब्राह्मण थे। सबसे पहले हम लोगों को इस भ्रम को अपने मन से हटा देना चाहिए कि वे मुसलमान थे या अन्य किसी धर्म के थे। स्वयं साईं बाबा जिन गुरुजी के पास जाकर के अपना सारा साधन सीखे हैं, उनका भी समाधि स्थान वहाँ से 40 किलोमीटर पर सेलू नाम के गांव में है। और ये सारे प्रमाण वहाँ पर उपलब्ध होने पर भी उनके मुसलमान होने की बात कैसे सामने आ सकती है, यह देख करके हैरानी होती है, आश्चर्य होता है। आगे चल करके मैं ये बतलाना चाहूँगा कि जब साईं बाबा शिरडी में आ गए जी, शिरडी में आने के पश्चात साईनाथ महाराज ने जो कार्य किए, उन कामों की ओर हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि वे किस प्रकार से एक विशुद्ध संत थे। सबसे पहले 3 बातों की ओर उन्होंने ध्यान दिया। वहाँ पर बहुत सारा वृक्षारोपण उन्होंने कराया। दूसरी बात, लोगों के लिए अन्नदान करना आरम्भ किया। उनके पास जो भी आता था लोगों को अन्नदान के रूप में बट जाता था। और तीसरी बात, जो भी लोग उनके पास रोगी के रूप में, रुग्ण के रूप में आते थे, उनका औषधोपचार से अथवा अपनी यौगिक शक्ति से वे उनको स्वास्थ्य लाभ करा देते थे। अब ये सब करने के लिए बाबा जब वहाँ पर आए तो एक मस्जिद में रहे, खाली स्थान उनको मस्जिद का मिल गया। वो मस्जिद प्रचलित अर्थ में मस्जिद नहीं है,
वहाँ कोई नमाज कभी पढ़ा नहीं गया, ये ध्यान में लेना चाहिए। बाबा के वहाँ पर रहने पर वहाँ पर धुनी जलती थी, वहाँ पर अन्नदान होता था और दिन भर भजन पूजन कीर्तन ये सब चलता था। बाबा ने वहाँ पर रहते हुए सारे के सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। बाबा ने वहाँ पर रामनवमी का उत्सव आरंभ किया और यह रामनवमी का उत्सव आज भी शिरडी के पूरे वर्ष में होने वाले उत्सव में रामनवमी का उत्सव सबसे बड़ा माना जाता है, उसका आरंभ बाबा ने किया। ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा कितने ही लोगों को अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं करते हो तो श्राद्ध करने के लिए प्रेरणा देते थे। भगवान की कोई प्रतिमा आपके घर में नहीं हो तो भगवान की मूर्ति की स्थापना करके उसकी पूजा करो, ऐसा आदेश दिया करते थे जी। बाबा ने स्वयं अपना देह त्याग करने से पूर्व 14 दिन तक राम कथा सुनी। एक ब्राह्मण को बैठा करके 14 दिनों तक राम कथा का श्रवण उन्होंने किया और उन्होंने 1918 में 15 अक्टूबर के दिन अपना देह त्याग विजयादशमी के मुहूर्त पर किया। अब और भी एक बात है कि बाबा स्वयं लोगों को ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए प्रेरणा देते थे। बाबा कितने ही बार ये सारा साई सच्चरित्र जो शिरडी से प्रकाशित ग्रंथ है उसमें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसमें ये लिखा है कि एक बार तो बाबा ने एक पंडित उनके पास आए और गीता पर प्रवचन करने लग गए तो बाबा ने स्वयं तद्विधि प्रणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, यह पूरा श्लोक उसको पदच्छेद करके और किस प्रकार इस श्लोक का सही अर्थ होता है ये समझाया। ये माधवराव देश पांडे को जो उनके तो साथ ये सब उसमें उपलब्ध है। ये सब बातें होते हुए केवल कोई व्यक्ति मस्जिद नाम के एक स्थान में रहता है और अपने मस्तक पर कोई एक कपड़ा बांधता है इसीलिए मुसलमान नहीं हो जाता, ये बात सत्य है कि उनके मुख में अल्लाह मालिक ये शब्द भी रहा करते थे और सबका मालिक एक ऐसा भी वो कहा करते थे जी। इन सारे उनके व्यवहारों का जब हम अवलोकन करते हैं तो एक निष्ठावान संत के द्वारा जिस प्रकार का समाज सेवा का कार्य किया जाना चाहिए, ईश्वर के प्रति भक्ति और सारे समाज के साथ समता युक्त प्रेम, इस प्रकार का उनका व्यवहार रहा है। उनके जाने के पश्चात भी एक बात विवाद छिड़ गया था, कुछ मौलवियों ने ऐसा कहा था कि बाबा की कब्र होनी चाहिए और वहाँ पर जो हिंदू लोग उपस्थित थे उन्होंने कहा था कि इनकी समाधि होनी चाहिए और हिंदू धर्म विधि से उनकी समाधि वहाँ पर बनाई गई। उसके पश्चात भी एक बार यह न्यायालय में विवाद खड़ा हो गया, न्यायालय में ने भी यह निर्णय दिया कि यह हिंदू संत की समाधि है और इसलिए इसकी पूजा पद्धति भी वैदिक पद्धति से होनी चाहिए। उस समय से लेकर के आज तक वैदिक पद्धति से वहाँ पर पूजा विधान हो रहा है। अब 96 वर्षों तक जो चला है उसमें आज ही क्या आपत्ति आ गई जिस कारण आप लोग विवाद खड़ा करते हैं, ये हमारी समझ के बाहर है और इसलिए हमें इस प्रकार की आशंका भी होती है कि इसके पीछे कोई कोई षड्यंत्र होना चाहिए जिससे हमारा हिंदू समाज बट जाए और आई हुई नई सरकार के सामने कोई प्रश्न चिन्ह अथवा एक बड़ा भीषण प्रश्न खड़ा हो जाए, इस प्रकार का हमारे देश में होना दुर्भाग्य है। इसलिए मैं शंकराचार्य पीठ पर आसीन स्वामी जी महाराज से भी कहूंगा कि आप इसका शांति से विचार करें, सत्य का अन्वेषण करें और जो अखाड़े अथवा अखाड़ों के साधु इनसे प्रभावित हुए होंगे उनसे भी कहूंगा कि सत्य को जाने और उसके पश्चात क्या करना है इसका विचार करें। यदि मैंने जो भी बातें कही हैं उनके बारे में आप लोगों को किसी प्रकार का भी संदेह है तो उसके सारे प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। इसलिए एक महान हिंदू संत के बारे में इस प्रकार का विवाद छिड़ना हम लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। संसार के सामने हम लोग इसके कारण हास्यास्पद होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, गोकुल में आप लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ एक समाधि के दर्शन करते हैं और वो समाधि पता है एक पठान की समाधि है, रसखान नाम के एक पठान जो संत बनकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने को डुबो दिए, अपना नाम रसखानी रखे और गोपी के रूप में गोपी भाव से उन्होंने आकर के वहां पर कृष्ण की आराधना की। जब रसखान भगवान श्री कृष्ण के साथ एक रूप होने के कारण हम लोगों के लिए वंद्य हो सकते हैं तो साईं बाबा भी परमात्मा के साथ एक रूप होने के पश्चात हम लोगों को वंदनीय क्यों नहीं रहेंगे। सारे धर्मों में संकीर्णताएं हैं, हमारा धर्म संकीर्णता से परे है और यही इसकी सबसे बड़ी महानता है। इसलिए हमारे धर्म की इन बातों को धर्मपीठों के द्वारा इस प्रकार अवमूल्यित नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की मेरी प्रार्थना।
बिल्कुल, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी स्वामी ओम जी। आपने पूरी बात अभी सुनी है गोविंद देव गिरिजी महाराज की, उन्होंने बहुत सारी बातें हमें साईं महाराज के बारे में बताई हैं, भगवान साईं के बारे में बताई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, जब इतना कुछ साईं ने हमें हमारे लिए किया, अपने भक्तों के लिए किया, तो फिर क्यों शंकराचार्य बार बार साईं के अस्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं? मैं स्वामी जी का बहुत आदर करता हूँ, क्योंकि मेरे परम मित्र स्वामी सत्यमित्रानंद जी के ये उत्तराधिकारी हैं, कार्याध्यक्ष हैं भारत माता मंदिर के, जिसको उद्घाटन के लिए मैं खुद इंदिरा गांधी को मना करके लेके गया था, उद्घाटन करवाया था वहाँ हरिद्वार में। मैं स्वामी जी की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। जो शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र सम्मत बातें हैं, आप खुल के बात कीजिए ना। नहीं, मैं आप खुल के, जब सब जगह खुल के बात किया तो यहाँ क्यों नहीं खुल के बात कर रहे हैं आप? जवाब की बात कर रहे हैं, ये जवाब लीजिए, ये जवाब लीजिए, ये साईं सच्चरित्र है जिसके बारे में स्वामी जी अभी बता रहे थे। जी के बातों का जवाब ही नहीं है इसमें। आप, मैं कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि जवाब दे रहा हूँ, देने दीजिए मुझे। ये किताब देखिए आप, इसमें हाईलाइट कीजिए कैमरा, ये कैमरा, ये पेज नंबर 230 और 231 लाइए, मैं पढ़ देता हूँ। एक मिनट, मैं पढ़ देता हूँ। आप पढ़ के तो आपको झूठ पढ़ के सुनाएंगे। अच्छा, पढ़ते भी झूठ ही हैं आप। 231 पेज नंबर साईं सच्चरित्र के पेज नंबर में लास्ट में लिखा हुआ है कि जब भोजन तैयार हो जाता तब वे मस्जिद से बर्तन मंगाकर मौलवियों से, चूंकि उन्होंने कहा स्वामी जी ने कि वो मस्जिद था, पहले अब ये नोएडा है तो इसको नोएडा नहीं कहोगे, इसको अयोध्या कहोगे। उसके अलावा जगह नोएडा है तो इसको नोएडा ही कहा जाएगा ना, इसको अयोध्या तो नहीं कहोगे। पहले तुम मुझे किताब तो पढ़ने दो। अच्छा, उसके बाद उदाहरणार्थ एकादशी के दिन उन्होंने दादा केलकर को कुछ रुपए देकर कुछ मांस खरीद लाने को कहा। इनको किताब में कुछ भी बाबा ने दादा की बांह पकड़ी और बलपूर्वक बर्तन में डाल करके बोले, थोड़ा सा इसमें से निकालो और अपना कट्टरपन छोड़कर चक्कर देखो। वो आगे पढ़ो, चखा की नहीं उन्होंने, वो ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा भी बाबा मैं बात सुन रहा हूँ, मैं आपके आज्ञा का। क्या उन्होंने चखा? ये भी आगे पढ़िए, नहीं कर सकता। दूसरी बात, आगे ये भी पढ़िए, दूसरी बात आप ये भी पूरा पढ़ो। अभी स्वामी जी ने कहा, मैं कह रहा हूँ कि आप शराब पी लो, आपने शराब पी लिया। स्वामी जी ने ये कहा, आप मेरी बात का जवाब दो ना। अरे जब मैं मेरी बात आगे क्यों पढ़ा? ये अच्छा, पेज नंबर 168 ये हाईलाइट कीजिए इस किताब पे, इसमें पेज नंबर 168 में लिखा है, ये मेधा का निर्माण है, जिसमें किंतु साठे साहब ने से पूछने पर उन्होंने बताया कि श्री साईं बाबा तो यवन है, हाँ। यवन मुसलमान को कहा जाता है, ठीक है। और इतना ही नहीं, उसके अलावा उसमें फिर लिखा है कि फिर मेघा की ओर देखकर मैं कहा उनकी बात ना लगे। सुनिए, ये साठे ने कहा ना, यवन हूँ, साठे ने कहा ना, नष्ट हो जाएगी। अरे भाई आगे की बात पढ़ो पहले, ये बाबा ने खुद कहा कि मैं मुसलमान हूँ, क्योंकि मेघा के दिमाग में ये बात थी। मैं हिंदूवादी हूँ, मुझे किसी मुसलमान की पूजा नहीं कर सकता, मुझे जवाब देना है। सीधी बात, दूसरी बात, जो एकादशी के दिन एक ब्राह्मण को जबरदस्ती मांस खिलाते हैं, मैं उनकी पूजा नहीं कर सकता। ये आपकी किताब में लिखा हुआ है, ये मेरी लिखी हुई किताब नहीं है। और इस किताब को साईं बाबा ने खुद लिखवाया था, इस किताब को चांदमिया जी ने खुद लिखवाया था, और यहाँ तक कि इस किताब के लेखक को उन्होंने विशेष रूप से उपाधि दी थी खुश होकर के। और ये हेमारपंत उपाधि, ये देखिए ओरिजिनल किताब है, मेरा को अपना बनाया हुआ किताब नहीं है। उपाधि इस तरह से मेरे पास में एक नहीं। अभी इन्होंने कहा कि साईं बाबा के का नाम वो मुसलमान नहीं, उनके पिता मुसलमान नहीं थे, ये प्रमाण है, हाईलाइट कीजिए इसमें कैमरा आप, इसमें उनके पिताजी का नाम छपवा के लाए हैं, लिखा हुआ है बैरुद्दीन, छपवा के छपवाना में पढ़ लिखा है। सुनिए, ये पत्रकारिता का धर्म होता है, मैं छपी हुई चीज नहीं पढ़ने दूंगा। इन्होंने कहा कि वो मुसलमान, इन्होंने किताब को पढ़ा, इन्होंने किताब को पढ़ा, मैंने मना नहीं किया, मैं छपी हुई चीज नहीं पढ़ने दूंगा। पहले सुनो, ये क्या लिख के लाया है, डोंगी पंडित, ये क्या लिख के लाया है, ऐसे डोंगी पखंडियों को मत बिठाया करो आप लोग। स्वामी ओम जी, आप अभी थोड़ा सा शांत हो जाइए। संजय साईं जी, आप बताइए, जो व्यक्ति सिर्फ पढ़ के बोलना जानता है, जिसको अगर एक मिनट खाली स्वयं के भीतर से सच्चाई बोलने को बोला जाए तो वो एक मिनट नहीं बोल सकता, वो खाली किताब पढ़ के बोल सकता है। हमें भी पागल कह दिया, ये आदमी किसी को भी पागल बोल रहे थे, सारे प्रमाण लेकर तुम प्रमाण देने दो ना, जवाब एक लफ्ज में एक एक जवान में बंद कर दूंगा। देखिए सुनिए, अब किसी भी व्यक्ति की श्रद्धा और उसकी आस्था उसका बेहद निजी मसला है, इसको तय करने का अधिकार किसी शंकराचार्य को और किसी धर्मगुरु को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के संविधान को भी नहीं है।
वो उसका बेहद निजी मसला है। पहली बात तो ऑलरेडी आ रहा है। पहली बात तो ये सारे सारे बाजू मस्जिद बनाने के लिए जा रहे हैं। मुझे आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए मुझे। इनको चुप कराइए स्वामी जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए। इनको चुप कराइए, मंदिर मस्जिद बन जाने दे। चुप कराइए, इनको चुप कराइए, मैं बोल रहा हूं स्वामी जी। आप उनको बोल ही दीजिए, आप अपनी बात बाद में रखिएगा। आपने बोल लिया है ना स्वामी जी। सवाल ये है कि ये मसला उठाई क्यों, शंकराचार्य जी ने ऐसे वक्त में क्यों उठाया। मैं शंकराचार्य के पद का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर शंकराचार्य जी को दिक्कत नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से है तो क्या समाज को विखंडित कर देंगे, समाज में प्रदूषण फैला देंगे और इस तरह की बातें होंगी, हिंदुओं को तोड़ने की साजिश होगी और ऐसे पाखंडी तोड़ लेंगे हिंदू को। ये बहुत बहुत बड़ा विराट था हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म। आप शांत हो जाइए और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप मत कीजिए, आप शांत हो जाइए। आप कुछ देर के लिए शांत रहिए, कुछ देर के लिए शांत रहिए। कोई डिबेट्स में देखा है जो किताबें पढ़ करके बोलता हो, जो कंप्यूटर से लेकर के यूं आकर के किताबें पढ़ के बोलता हो, ये देखो ये 70 नंबर की पेज में ये लिखा हुआ है, ये भाषण पे क्यों लिखा हुआ है, ये साईं बाबा ने महाराज खुद लिखवाया था। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग सनातन धर्म को तोड़ने में सफल हो पाएंगे। मैं उसका जवाब देता हूँ। इन्होंने शुरुआत की कि साईं बाबा के बारे में अनाप शनाप कहा, इसके बाद इन्होंने तमाम जगह हिंसा का सहारा लिया। कोई पत्रकार जाए पूछे जगत गुरु से कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे क्या, थप्पड़ मार देते हैं। मनुष्य मित्र वहां मंच पे चले गए, सन्यासी आदमी, इनके साथ हिंसा की गई। और अभी अभी उन्होंने धमकी के फोन सवाल यह है, चोट लगा मुझे, धक्का मारा गया, मुझे उतारा गया और मैं तो स्वीकार करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर आत्मा है, मेरे अंदर इंसानियत है, मेरे अंदर मानवता है कि मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था कि चुनौती, और चुनौती उन लोगों को दिया था जहाँ पे ऐसे लोग बैठे हुए थे जो कहते थे तथाकथित की साईं भगवान नहीं है, वो दंभी है, पाखंडी है। जो व्यक्ति अपने देश के इतने मानिंद संत का सम्मान नहीं कर सकता, वो हमारी और आपका क्या सम्मान करेगा, वो किसी का सम्मान नहीं कर सकता। जो आप बगल में बैठे हुए गेरुए वस्त्र का सम्मान नहीं कर सकता, वो किसी का हमारा आपका क्या सम्मान करेगा। ऐसे ऐसे पाखंडियों को देश देखे और इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। ये देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं और हम उसमें सफल नहीं देंगे। तोड़ने की साजिश और इनके कर चुके हैं, इनके पर्दे उठ गए हैं, हिंदुओं को देश देख रहा है इनको। ये क्या तोड़ेंगे, इनके कांग्रेसाचार्य नहीं तोड़ पाए, ये क्या तोड़ेंगे, ये चंद पंडे आके शोर मचाते हैं तोड़ लेंगे। ये शंकराचार्य को कांग्रेसाचार्य कह रहे हैं, वो कांग्रेस की राजनीति करते हैं, माफ कीजिए, उन पर पूरे जीवन आरोप लगे हैं कांग्रेस की राजनीति करने का। उन्होंने खुद कहा है कि मैं गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानता हूँ, वो कांग्रेसाचार्य है, उन्होंने कांग्रेस की राजनीति की है, वो नरेंद्र मोदी विरोधी है, उनको नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दिक्कत है। ऐसे लोगों को देश आज बौखलाहट हो गई है। उत्तराखंड सरकार के बारे में क्या कहा उन्होंने, जब वहां आपदा आई और आपदा होने के बाद वहां निर्माण हुआ, चुप करिए उसको। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से, यही एक चैनल है जो न्यायपूर्वक बातें सुन सकता है, हम सनातनियों की, हम हिंदुओं की बात सुन सकता है। उत्तराखंड सरकार, स्वामी जी, उत्तराखंड सरकार के लिए सुनिए, उत्तराखंड सरकार में आपदा आई, वहां कितने कितने कितना नुकसान हुआ, उस नुकसान होने के बाद पुनर्निर्माण हुआ, उस निर्माण के लिए उन्होंने क्यों नहीं बोला, आज तक राहुल गांधी के बारे में क्यों नहीं बोला उन्होंने, आज तक कांग्रेस के लिए क्यों नहीं बोला उन्होंने। बेटी ये यहाँ पर आज इनको प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी से है, तो नरेंद्र मोदी से प्रॉब्लम है तो देश विखंडित कर, ये धर्म गुरुओं का काम है। एक समय चातुर्मास में आप बताइए स्वामी जी, चातुर्मास में धर्म संसद लगता है क्या, आप बताएं मुझे कि चातुर्मास में धर्म संसद लगता है। चातुर्मास जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, शंकराचार्य लगातार ये बात क्यों कर रहे हैं। संजय साईं जी एक मिनट, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्यों लगातार शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं कि साईं भगवान नहीं है, साईं की पूजा नहीं करनी चाहिए, साईं समाज को बांटने की कोशिश करते आए हैं,
क्यों, क्या फैक्ट है आपके पास, किस आधार पर लगातार शंकराचार्य इस तरह के बयान दे रहे हैं, इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है? जिसको आप सीढ़ी के साइन वाला कहते हैं उनका नाम चांद मियां है ये, और ये सारी चीजें टाइपिंग करके दी गई है, अपने हाथों से टाइपिंग करके दी गई है, ये सारे सबूत हैं, मनगढ़ंत चीजें अपने हाथों से टाइपिंग की गई है, जो बोलना चाहिए गाली लिखा हुआ है, अपने हाथों से मतलब उसमें गाली लिखा हुआ है, गाली ने पढ़ा, गाली लिखी हुई है, गंदी गाली लिखी है महाराज जी, गंदी गाली लिखी हुई है, आप देखिए मैंने नहीं लिखा, आप देखिए महाराज जी, आप गाली लिखी हुई है कंप्यूटर के ऊपर, मैंने नहीं लिखा, आपने कंप्यूटर पे लिखवा करके उसको पढ़ करके बोल रहे हो, किताब बाबा ने खुद लिखवाई थी, ये सबूत है आपके पास? मेरे पास ये फैक्ट है आपके पास? मैं पूरा बैग भरा हुआ है, आप यदि समय दे 5 घंटे में मैं इतना सबूत दे दूंगा कि आप नफरत करने लग जाएंगे। अरे 4 महीने में सबूत नहीं दे पाए, 5 घंटे में कहां से दे दोगे? कहां देते हो तुम्हारे कांग्रेस आचार्य नहीं दे पाए सबूत, टाइम कहां से सबूत दे दोगे? हाथों से टाइपिंग करवाए, तुम्हारे कांग्रेस आचार्य सबूत नहीं दे पाए, तुम कहां से दे दोगे? और तुम्हारे कांग्रेस आचार्य धमकी दिलवाते हैं मरवा देंगे, गोली मार, अरे यार आप लोग गुंडागिरी करोगे, गुंडागिरी करोगे देश में, और हम आपकी गुंडागिरी को चलने देंगे, हम कट्टर नहीं चलने देंगे, हम हिंदुत्व के लिए अपनी जान दे देंगे, हम कट्टर सनातनी हैं, तुम हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हो ये तुमको माफ नहीं करेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, शोभा नहीं देता, हिंदू माफ नहीं करेंगे, स्वामी ओम जी शोभा नहीं देता, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं लगातार कार्यक्रम के दौरान, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके जब गोविंदगिरी जी बोल रहे थे तो मैं एक लफ्ज नहीं बोला, उस वक्त भी डिस्टर्ब कर रहा था स्वामी, आप बोल नहीं सकते के सामने क्योंकि आप तुमको कुछ ज्यादा पता है, तुमको तो ट्रेनिंग देकर के पट्टी पढ़ा करके भेजा गया पैसा। चलिए सवाल लगातार बार बार यही खड़ा हो रहा है कि क्यों लगातार साईं के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्यों साईं के नाम पर इस तरह का विवाद जो है वो देश में बढ़ता जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना होगा, तुरंत लौटेंगे इस बड़ी बहस के साथ, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। मुझे हंसी आती है ऐसे ऐसे तांत्रिकों पे, दो तोता लेके घूमते होंगे रोड पे, बैठ जाते होंगे ये, एक ये बंदर वाला, मैं तो बंदर वाला नहीं, मैं तो देश का दाढ़ी बना रखा है, ना हिंदू का पाता ना मुसलमान का पाता, ये जोकर लग रहा है, जोकर है ये, इस जोकर की बात मत सुनिए। मुझे हंसी आती है ऐसे ऐसे तांत्रिकों पे, दो तोता लेके घूमते होंगे रोड पे, बैठ जाते होंगे ये, एक ये बंदर वाला, मैं तो बंदर वाला नहीं, मैं तो देश का दाढ़ी बना रखा है, ना हिंदू का पाता ना मुसलमान का पाता, ये जोकर लग रहा है, जोकर है ये, इस जोकर की बात मत सुनिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, लगातार हम ये सवाल खड़े कर रहे हैं और लगातार जो सवाल खड़ा किया है शंकराचार्य द्वारा, साईं के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है और ये कहा है कि साईं की पूजा नहीं की जानी चाहिए, साईं समाज को बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ये लगातार शंकराचार्य द्वारा कहा जा रहा है। हमारे साथ लगातार यहाँ पर साईं भक्त और शंकराचार्य भक्त मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, जो अभी अभी आपने सुना कुछ देर पहले स्वामी ओम जी ने जो भी बातें कही हैं, क्या उन तमाम बातों से आप कहीं पर भी सहमत हैं? बिल्कुल नहीं हूँ। जो कागज वो लेकर के आए हैं, ये तो कागज लेकर नहीं आओ, ये तो किताब है यार, अरे आप बोलने दीजिए ना, अरे उसको कागज ही कहते हैं, बोलने तो दीजिए, चल उसको कागज ही कहते हैं, संस्कार का मोहर लगा हुआ है जिसको, अरे बोलना तो दीजिए, वो कागज कहते हैं, वो क्या करेगा, उसको कागज ही कहते हैं, ये सिटी संस्थान का मोहर लगा हुआ है। हाँ भाई, सिटी संस्थान का ये मोहर लगे हुए स्वामी जी के द्वारा लाए गए इस पुस्तक में कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो यवन है, ये लिखा है ना मैंने। और दूसरी बात में, और दूसरी बात ये भी बता दिया जाए कि आज की मॉडर्न जमाने के अंदर किताब 2 मिनट में छापी जा सकती है, जैसी छापनी चाहे वैसी, तुम इस किताब वाले पे तुम केस करो ना। अरे केस क्यों करे, किताब आपकी छापी हुई है, आप छाप के ला सकते हो किताब को, स्वामी जी को बोलने दीजिए, स्वामी जी वरिष्ठ हैं, बोल रहे हैं कुछ, आप कहिए। स्वामी जी के इसमें साईं बाबा के पूर्व जीवन का, शिरडी से पूर्व जो जीवन था उसके बारे में कुछ भी। महाराज जी एक एक चीज में आपको भी, 11वें अध्याय तक बाबा स्वयं थे सशरीर, 11वें अध्याय के बाद जो भी बातें लिखी गई है उनकी बिना उपस्थिति की चीजें लिखी गई है, जो जो घटनाएं हुई जैसे जैसे हुई, बाबा जैसे मन की बातें भी जान लेते थे, तो कोई गया ये सोचा उनका रूप देख के कि अरे ये तो यवन है, तो बाबा पहले ही कह देते थे कि अरे मैं तो यवन हूँ, दूर हट, मुझे प्रणाम मत कर, ये जिक्र है उसमें, ये ओरिजिनल किताब, उसको दूसरी तरह मॉडिफाई करके ये लोग कहते हैं, उसमें उनको उपाधि दी, साईं बाबा ने उपाधि दी उनको,
प्रसन्न होकर के इसके लेखक उपाधि। अरे आप तो अपने आप को साईं बाबा के अवतार भी कहते हो कई चैनल पे आके। मैं कहता हूं जिसको साईं बाबा का अवतार ये फुटेज निकाल के देखा है। गोविंद जी का विरोध करता था कर्तव्य करता रहूंगा। ये साईं बाबा के अवतार लगते हैं कैसे देखने में। अरे बोलने दीजिए, ये रोड के चलते हुए एक ऐसे तांत्रिक लग रहे हैं जो तोता बिठा के चौराहे पे अपना गरीब बना रहे हैं। मुझे हंसी आती है ऐसे ऐसे तांत्रिकों पे। दो तोता लेके घूमते होंगे रोड पे, बैठ जाते होंगे, ये 5-10 रुपया कमा के अपना परिवार चलाते होंगे। ये तू देख, अरे एक ये बंदर वाला, मैं तो बंदर वाला नहीं, मैं तो चेंज का दाढ़ी बना रखा है, ना हिंदू का पहचान ना मुसलमान का पहचान, मुसलमानों का देश पहचान रखा है। तुम्हारी वास्तविकता सब देख रहे हैं। ओम जी बस कीजिए, ओम जी बस कीजिए। गोविंद देव जी, गोविंद गिरी जी महाराज, गोविंद गिरी जी महाराज जी को बोलने दीजिए। पीपल के नीचे बैठ के ये तोता लेके तांत्रिक गिरी करता है ये आदमी, ये साईं बाबा के बारे में क्या जाने? आप पूछिए इससे क्या जाने साईं बाबा के बारे में? साईं बाबा के बारे में स्वामी जी से पूछिए आप। साईं बाबा के बारे में जो भक्त है, देखिए खानदान भिखारी आ गए, और ये मानसिक आप बताइए ये संतों की भाषा सुनिए आप। ये संत है हमारे आज के, ये संतों की भाषा सुनिए। तो जैसा हो तो सब वैसे ही बात की जाती है। साईं बाबा हिंसक है, आपको तलवार दिखा दी जाए तो आप गला काट देंगे। आप मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ जिनके हाथ में माँ दुर्गा कभी हिंसा नहीं किया था। डिबेट कहीं और जा रही है, आप सवाल पे आइए। ओम जी महाराज जी, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। गोविंद गिरी जी महाराज जी, आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। कोई भी यवन संत या कोई भी यवन व्यक्ति रामनवमी का उत्सव आरंभ कर सकता है क्या? बताइए, भगवान का नाम लेकर के स्वयं नाच सकता है क्या? जितने भी हिंदुओं के मंदिर वहां पर रहे शिरडी में, उन सब मंदिरों का जीर्णोद्धार साईं बाबा ने स्वयं कराया। ठीक बात। और वे स्वयं भगवद गीता के अच्छे जानकार थे बहुत, और उन्होंने स्वयं भगवद गीता का एक श्लोक अपने मुख से बोल करके उसका पदच्छेद करके और विद्वानों के सामने बतला दिया कि अर्थ ऐसे करना होता है, इसका ऐसा अर्थ है। ये सारा उनका ज्ञान और ज्ञानेश्वरी पढ़ने के लिए लोगों को दी जाने वाली उनकी प्रेरणा, ये कहीं मुस्लिम के लक्षण में बैठता है क्या? इसका उत्तर मुझे स्वामी जी से चाहिए। ये पेज नंबर 63, ये साईं बाबा लिखाया हुआ इन्हें था। पहले ये बोलो ये किताब बंद कर दे, ये किताब पोपट वाला काम बंद कर दे, ये किताब पढ़ के बोल रहा है पोपटों का होता है, इनको छाप के दे दिया गया है और इनको बोल दिया गया कि ये कहो सुस्त और जाके ये पाके सुना देना और ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। इनके पास ज्ञान लाने को ठीक नहीं है। जो हिंदू द्रोही होगा उसका हम कभी पूजा नहीं कर सकते, ना करने देंगे। देखिए ये जो लिखा हुआ ना, अभी इन्होंने संजय ने कहा ना कि फलाने अध्याय से पहले तक का साईं बाबा लिखवाया, मुझे बोलने दीजिए। अध्याय 17 है, उसका पेज नंबर 63 है, ये किताब में आप हाईलाइट कीजिए। सुनिए साईं बाबा के बारे में तो मैं बोलूंगा, खुद का हिंदू शास्त्रों का विरोध किया है। सुन लिया, ये जो पाखंडी बाबा बिठाया है ना आपने, ये 3 जगह दिखता है ये बाबा। ये दिखता आसाराम के समर्थन में, ये दिखता है यूपीएससी के समर्थन में, और ये दिखता है ये साईं बाबा के डिबेट में। मैंने इस व्यक्ति को हर जगह जाना है जहां से इसको फुटेज मिले। साईं बाबा के बारे में हर सवाल पे किताब उठा के बोलना, हर सवाल पे वही रटी रटाई बात कहना, अरे इस पे बहस हो चुकी है, इस पे इसको तुम्हारे अकाउंट में बहस कर ली है और ये मान गए हैं कि वो मुस्लिम नहीं थे। आप कौन होते हैं? बार बार वही प्रश्न उठाओगे, हम बार बार उसी चीज का जवाब देंगे। देखिए मैंने पूछा, उसने कहा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, ये झूठ बोलता है चैनल पे, झूठा। देखिए हम सवाल बार बार यही उठा रहे हैं कि क्यों साईं भक्त पर और क्यों साईं के अस्तित्व पर सवाल उठाया जा रहा है। इस डिबेट को आप कहीं और मत लेके जाइए, इस डिबेट को आप कहीं और मत लेके जाइए। ये एक राजनीतिक साजिश के तहत, वो नशा नहीं करते थे, वो चिलम नहीं पीते थे, वो मांस नहीं खाते थे, वो मांस नहीं बटवाते थे, इसीलिए हमने सत्य साईं बाबा का विरोध नहीं किया। आचार्य रजनी के साथ उनका झगड़ा हुआ, मीडिएटर बनकर हमने दोनों का झगड़ा खत्म करवाया, उनका भी वो भी अपना महिमा मंडित करने आए हैं क्या? जवाहरलाल नेहरू इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र पूछो, जवाहरलाल नेहरू इनको जानते हैं, इंदिरा गांधी इनको जानती है, राजीव गांधी इनको जानते थे। ऐसे पाखंडियों को बैठा के हमारा डिबेट कराओगे क्या? ऐसे लोगों को बैठा के डिबेट कराओगे क्या? अस्तर विहीन आदमी को बैठा के डिबेट कराओगे? कोई लाभ हो या ना उजरो सोमन साहब उनका है, तुम तो मूर्ख हो, जितना मर्जी को समझा ले तुम्हारे दिमाग को बात आने वाली नहीं है।
मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जिस वस्त्र को धारण करने के बाद जिस तरह से अपने मुख से ये जिस वाणी का प्रयोग कर रहे हैं, क्या आज जनता भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, क्या ये सुशोभित है? और आज किसी चीज को प्रमाण करने के लिए, आज किसी चीज को प्रमाणित करने के लिए अगर पुस्तकों का सहारा बोलने दीजिए, इन्हें बोलने दीजिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया है, मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया है, ये सारा हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देकर के केस जीत चुके हैं। हम तो कानूनी बात कर रहे हैं, तुम तो कानून के दुश्मन हो। श्री स्वामी ये अपने मंच पे मारा पीटी करे और ये पत्रकार को थप्पड़ मार दे और ये हिंसा फैलाए, वो संविधान 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 सिर्फ गीता कुरान बाइबल से नहीं चलता, भारत सिर्फ गीता कुरान बाइबल से नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है, संविधान छूट देता है हमें किसी भी आस्था रखने का। ये सबूत है ये सारे। देखिए आपको कभी देश की जनता ये देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी इस तरह के मनगढ़ंत फोटोशॉप से बना करके फोटो खींच करके ला करके अगर आप दिखाते हो करोड़ों अरबों लोगों के निष्ठा और भावना से खेलते हो, आपको पहले जनता नहीं माफ करेगी? गिरफ्तार करो ना, गिरफ्तार करो ना इसके खानदान लिखने वाले के खानदान वालों को, गिरफ्तार करो ना इसके छापने वालों को। अरे गिरफ्तार तो छापने वाला तो आप ही हो ना, खुद छाप के लाए हो और खुद छाप के लेके बोल रहे हो। ये स्टैंप तुम्हारे शरीर से संस्थान का लगा हुआ है। 5 रुपए में जाकर के कंप्यूटर पे चीजें छाप के लाई जाती है 5 रुपए में। आप पढ़ते हैं ना कोई शास्त्र का अध्ययन करते हैं, आ जाते हैं चैनल पे। अरे शास्त्र का अध्ययन जिसने गीता पढ़ लिया, जिसने पुराण पढ़ लिया, उसके जीवन में कोई उसका लक्षण ही ना, वो किस काम का अध्ययन? आदमी गीता पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, ये लोग कथा कथित। गोविंद देव महाराज जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं शंकराचार्य एक महिमामय पद है, जो भी शंकराचार्य का के पद का अपमान करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। नागा लोग आएंगे, संजय जैसे मूर्खों को सबक सिखाएंगे और हमारी हत्या करने की सुपारी दिया इन लोगों ने। अरे सुपारी देने की जरूरत है? आचार्य प्रमोद कृष्णम चक्रपाणि जी मुझे धमकी का फोन आ रहे हैं, ये मैं एक इशारा करूँ तुम इस बिल्डिंग से देख लीजिए सुनिए वाणी कीजिएगा, जनता है। अरे हमने फोन से परशुराम के संतान है, ब्राह्मण है, जिसने 21 बार क्षत्रियहीन पृथ्वी को किया, उन्होंने पापी क्षत्रियों का विहार किया था। स्वामी जी आप शंकराचार्य के भक्त हैं और नेशनल टीवी पर बैठे हैं, देश की जनता आपको देख रही है। हाँ तो तुम लोग भी तो पापी हो। इन्होंने अभी अभी क्या किया, हत्या कराएंगे, ये हत्या कराने की बात करते हैं। आप तो हर उस व्यक्ति के देखिए स्वामी जी, ये हत्या करवाएंगे अब। इन्होंने कहा है कि मैं हत्या करवाऊंगा, इन्होंने कहा है कि मैं रिवॉल्वर से मार दूंगा, मैंने ये नहीं कहा। दिखाइए उसको, एक नंबर के झूठा हो, जनता को दिखाइए। इन्होंने कहा है कि मैं बिल्डिंग से बाहर नहीं निकलने दूंगा। शंकराचार्य के लोगों का ये आचरण है, मैं यही देश को बताना चाहता हूँ। आप लोग ये गुंडागर्दी है, देश को रखेंगे, जनता को दिखाएंगे। तुम्हारी तुम पढ़ के नहीं आते, कुछ सीख के नहीं आते। अरे हम पोपट थोड़ी ना निकल जाएंगे, हम तो सच्चाई को जीते हैं, हमारे सच्चाई भीतर पलती है। स्वामी जी एक संत होकर आप किस तरह की बात कर रहे हैं? स्वामी जी वैसे तुम लोग लोगों को गाली देते हो, ये देखिए ये क्या साईं कहते हैं। हमने आज तक जीवन में कभी किसी भी धर्म को किसी भी जाति को गाली नहीं दिया, अनागत भविष्य में देंगे। अरे तुमको यदि पुजाई करनी है तो तुम चांद मिया साईं बाबा का तुम मस्जिद बनाकर वहाँ पूजा करो ना, कौन मना कर रहा है? तुम हमारे देवी देवताओं को, अरे आप जैसे दो कौड़ी के इंसान के सामने पे क्या अपना रिश्ता भरना कोई रखेगा? आपके बोलने पर पूजा करेगा? किसे बदनाम किया है स्वामी जी, किसे बदनाम किया है, किसे बदनाम किया है? ये सारी किताबें छपा छपा करके इन लोगों ने ब्रह्म रूप भगवान विष्णु का जो ब्रह्मांड का रूप था उसमें साईं बाबा को दिया। अरे इनके जैसे लोग 5-5 रुपए में छपवा के लाए हैं सभी को। गोविंद देव गिरी जी महाराज आप कुछ कहेंगे इनकी बात पर? गोविंद देव गिरी जी महाराज जो इन्होंने बात कही है और उसका कुछ जवाब देना चाहेंगे? सबूत 5-5 रुपए में छपे हुए हैं कंप्यूटर से, 5-5 रुपए में छपे हुए और इसका जेरोक्स करा के ये लोग फैला रहे हैं, खुद नहीं फैला रहे समाज के अंदर, समाज के अंदर नेगेटिव प्रचार कर रहे हैं। जिस दिन मरे हैं उस दिन भी नंगा होकर लोगों को उन्होंने कहा कि देखो मुझे और मुसलमान थे, मैं मुसलमान की पूजा नहीं कर सकता। ये लोग झूठी झूठी चीजों का प्रचार कर रहे हैं, जेरोक्स करा करके। ये स्वामी जी किताब पढ़ के नहीं आए हैं, ये किताब पढ़ के नहीं आए, मैं किताब पढ़ के आया हूँ, ये सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। किताब पढ़ने का पोपटी करता है, पोपटी किताब पढ़ के बोलता है। हम तो वास्तविकता बोलते हैं, हमारे भीतर जो सच्चाई है वो बोलते हैं। हमने साईं बाबा को जिया है, हमने सिंधी के अंदर प्रत्येक उस व्यक्ति को कि साईं बाबा की जीवनी क्या थी। लेकिन आप तो एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर आपको कोई 10 जन का बंदर लेकर के कह दे कि ये पेज मीडिया के सामने बोलना है तो आप वो भी बोलोगे? ये हमारा
देश अगर तो गुलाम रहा है तो आप जैसे व्यक्तियों के कारण ही गुलाम रहे हैं। आप जैसे हमारे पास फाइलों के फाइल पड़े हुए हैं सिटी साहब के बारे में। जो गंभीर अभी आरोप आपने लगाए हैं और ये कहा है कि गलत तरीके से हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है और राम के नाम को भी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है संतों द्वारा, ये भी आपने कहा है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत हमारे इस खास पेशकश शंकराचार्य बनाम साईं भक्त। हमारे साथ तमाम पैनल यहाँ पे मौजूद हैं, साईं भक्त और शंकराचार्य भक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, कुछ ब्रेक से पहले जो बातें कही थी अभी स्वामी ओम जी महाराज ने, उस पर क्या आप सहमत हैं, क्या जवाब है आपका, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? ऐसा है, कैसी कैसी झूठ झूठ बातें छाप करके वो लाए हैं, इसका सीधा प्रमाण मैं आपको देता हूँ। 1992 तक बाबा का कोई मंदिर नहीं था, ऐसा इन्होंने यहाँ पर प्रिंट किया है। हमारे देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उसके पहले से ही बाबा के कितने मंदिर सैकड़ों हजारों की संख्या में हो चुके थे और ये हमारे स्वामी जी महाराज प्रिंट करके लाए हैं। मुझे लगता है कि स्वामी जी महाराज को भी किसी ने बहकाया है। स्वामी जी महाराज यदि स्वयं शांति से इसका विचार करेंगे और मुझे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे कि रामनवमी का उत्सव कोई भी यवन कैसे मना सकता है, जन्माष्टमी कैसे आरंभ कर सकता है, भगवान विट्ठल का नाम लेकर के कैसे स्वयं नाच सकता है और कोई भी यवन कैसे धुनी जला सकता है। ध्यान में ये लेना चाहिए उनका नाम साई नाथ रहा है, वे नाथपंथीय साधु थे और इसलिए वे स्वयं हमारे नाथों की श्रृंखला में होने के कारण वे स्वयं यवन के रूप में भी कभी आ जाते हैं तो बड़ी बात नहीं है। हमारे धर्मशास्त्र में समर्थ रामदास स्वामी का जीवन आता है। समर्थ रामदास स्वामी को भगवान दत्तात्रेय ने एक बार मलंग के रूप में, फकीर के रूप में दर्शन दिए थे। तो ये जो अवधूत होते हैं ये अतिवर्णाश्रमी होते हैं, इनके लिए किसी प्रकार का विधि निषेध नहीं होता है। अब नग्न होने की बात जो बाबा ने कही, मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में हमारे जैन संत भी नग्न हुआ करते हैं और सन्यासी को भी नग्न ही रहना चाहिए, ऐसा ही वास्तव में ऐसा नग्न नहीं रहना चाहिए, धार्मिक नग्नता होनी चाहिए। हाँ। अधार्मिक नग्नता इनकी है। तो हमारे भगवान सुखदेव जी महाराज भी जो श्रीमद् भागवत का उपदेश कर रहे थे दिगंबर बैठ करके ही कर रहे थे, इसलिए उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उल्टे मैं कितना निसंकोच और सम्य समदृष्टि रखने वाला हूँ इसका, और मुझे किसी प्रकार के आवरण की कैसे आवश्यकता नहीं है, इसका वो परिचायक है। और इसलिए बाबा के जो 10 प्रमाण मैंने बतलाए हैं आपको, ये किसी भी यवन में हो नहीं सकते। और आज भी ये लोग ये तो ये कागज छपवा छपवा करके लाए रुपए में लेकिन जीवन तो सबूत ये लोग जाकर के देख सकते हैं। बाबा का जहाँ पर जन्म स्थान है वहाँ जन्म स्थान पर पाथरी इस गांव में एक विशाल मंदिर बना हुआ है और वहाँ पर उनके परिवार के जहाँ पर बाबा का जन्म हुआ उस स्थान की खोज करके और वहाँ पर उन्होंने उस मंदिर को बनाया है और उनके परिवार की जो एक शाखा है वो अभी भी वहाँ पर चल रही है। तो इस प्रकार से उनके यजुर्वेदीय कान्व शाखीय हिंदू ब्राह्मण होने के कौशिक गोत्र उनका है, इस प्रकार का संपूर्ण परिचय हम लोगों को मिलता है और उनके गुरुदेव बाबा साहेब महाराज जो सिरू के रहे हैं, ये सारे प्रमाण होने पर इन छपवाए हुए कागजों को प्रमाण नहीं मान सकते हैं। इतना ही मुझे कहना है। नहीं, आप भले ही इसको प्रमाण माने या ना माने, ये मेरा बनवाया हुआ नहीं है, लेकिन आप एक चीज तो कही मानिए कि अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 में इन सभी अध्यायों में लिखा हुआ है इसी किताब में कि साईं बाबा हमेशा पूरा जीवन हमेशा अल्लाह मालिक कहा करते, एक बार भी उन्होंने राम का नाम नहीं लिया। क्या कोई हिंदू संत हमेशा अल्लाह मालिक कहेगा? क्या हिंदू संत किसी हिंदू देवी देवता का अपमान करेगा, गंगा गायत्री का अपमान करेगा, एकादशी का अपमान करेगा? जो हिंदू धर्म का अपमान करेगा उसकी पूजा न तो हम करेंगे और न ही हम होने देंगे। देखिए 150 सालों से हम वहां आरती कर रहे हैं बाबा की, वो तो लोग उठाने के लिए कर रहे हैं। सुनो आप यदि आरती न करें तो एक हिंदू सुनो बोले चुप करिए। अरे सुन लो पाखंडी, सुन ले सुनो, बता सके तो हम आपको मान लें। 150 सालों हिंदू बनाकर क्या आपने ठगा है? चुप कराइए इनको। 150 सालों से हम क्या कहते हैं कि शिरडी माझे पंढरपुर साईं बाबा रामावरा,
अब आप बताइए, ये तो तुम कहते हो ना, तुम्हारा बनाया हुआ है ना ये? हमारा क्यों बनाया हुआ है? किसी वेद में लिखा है, हम दत्तात्रेय की आरती करते हैं, हम तुकाराम की आरती करते हैं, हम सद्गुरु की आरती करते हैं। अब तुम्हारे जैसे अनपढ़ आदमी, तुम्हारे जैसे पाखंडी आदमी उसको पढ़ेंगे तब तो मिलेगा। तुम हो जैसे पाखंडी, तुम्हारा साईं था, तुम तो पाखंडी आदमी, उसी का असर है संसार के जहां दोस्त तुम्हारे बनती, उसी का संसार एनर्जी वेस्ट करने से राम मंदिर बनाने का उस पाखंडी का तुम नाम लेते हो। बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, मेरी एक बात मुझे और कहनी है। आपके यहाँ बिक रहा है, जो भी आपत्तियां इन्होंने उठाई, ये सारी आपत्तियां हमारे एक, ये देखिए ना, ये ओरिजिनल फोटो दिख रहा है, हमारी एक घटना से निर्मूल हो सकती है। टेंबे स्वामी महाराज ऐसे तो कितने, आपके यहाँ बिक रहा है, आपके यहाँ बिक रहा है, सीडी में सिक्किस मंगवाया है मैंने। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम टेंबे स्वामी महाराज। टेंबे स्वामी महाराज, टेंबे स्वामी महाराज इतने बड़े सिद्ध महात्मा रहे कि 2400 घंटे उनके साथ भगवान दत्तात्रेय रहते थे। 24 घंटे महाराष्ट्र में जितने भी संत हुए उन सब संतों के वे शिरोमणि रहे हैं, और बहुत पुरानी बात नहीं है, साईं बाबा के समकालीन संत रहे हैं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज के पश्चात इतना प्रगल्भ वाङ्मय और किसी का भी नहीं है। मैं थोड़ा सा साहस करके सभी लोगों को एक बात सुनाना चाहता हूँ। भगवान आदि शंकराचार्य के भी, चार्य जी के भी स्तोत्रों में जो चमत्कृति नहीं है वो वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के स्तोत्रों में है, जबकि वो संस्कृत भाषा बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दत्त भगवान उनसे लिखवाते थे, इतना विलक्षण उन्होंने, उनका महान कार्य है। उनके बारे में विशेष अब बोलने का अभी अवसर नहीं है, लेकिन वे साक्षात दत्त स्वरूप थे। इसमें कुछ एक समय क्या दत्त क्या मांस खाते थे, सुनो ना, चिलम पीते थे? दत्त भगवान के स्वरूप ये टेंबे स्वामी महाराज, एक बार इनको दासगणु महाराज मिले राज महेंद्री में। टेंबे स्वामी महाराज का अधिकार सर्वोपरि, और जब दासगणु महाराज से उन्होंने पूछा कि अब आप कहाँ जाने वाले हैं, तो कहा मैं शिरडी जाने वाला हूँ, तो टेंबे स्वामी ने एक नारियल मंगाया और कहा ये मेरा श्रीफल साईं बाबा को देना। और मेरा नमस्कार कहना। स्वामी महाराज ने एक बार भी ये बात कही कि साईं बाबा को नमस्कार करना, तो संसार के किसी भी व्यक्ति की बात मैं मानने बिल्कुल को बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही आपने महाराज जी, बहुत अच्छी बात कही। और जब मैंने ये घटना पढ़ी उसके पश्चात ही मैंने स्वयं साई चरित्र का अभ्यास करना आरम्भ किया, क्योंकि टेंबे स्वामी वो महापुरुष है जिस महापुरुष के वाङ्मय से मैं पूरा पूरा आस्तिक सनातनी बन सका। और इसलिए इतने पूज्य व्यक्ति भी जिनको नारियल श्रीफल भेज करके प्रणाम कहते हैं, मेरे भाई को नमस्कार, मेरे भाई को नमस्कार कहना, यूं कहा था उन्होंने। जिक्र जिक्र है साई से चरित्र में, इसका मतलब इस किताब को आप मानते हैं ना, साई से चरित्र में जिक्र है। मेरी बात सुनो ना, एक तरफ पर किताब झूठी है, एक तरफ पर जिक्र है, जिसको हम अब जब मानते हैं। अब जब ये, जब ये वो नारियल लेकर के ये आए, उस समय साई महाराज, साई बाबा बाहर खड़े थे सीढ़ी के ऊपर, और उन्होंने कहा मेरे भाई के द्वारा भेजा गया, मेरे बड़े भाई के द्वारा भेजा गया प्रसाद कहाँ है। ये उन संतों की अंतरंग एकता थी। और इसलिए अवधूत महात्मा जिस किसी भी स्थिति में हो, वो यदि एकाध बार हम लोगों को एकाध बार क्वचित शास्त्र के विपरीत हमारी परीक्षा लेने के लिए एकाध आज्ञा कर भी देते हैं, उस एक बात को लेकर के वो अपूज्य नहीं हो जाते हैं। उनके संपूर्ण समग्र जीवन का जब हम विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि अत्यंत महान नाथपंथीय सिद्ध योगी थे, और इसलिए जनता के कल्याण के लिए और मानवता की एकता के लिए उनका जन्म हुआ था। और वह उन्होंने अपने ब्राह्मण शरीर को एक नाथपंथीय योगी के रूप में प्रकट करके सारे संसार के लिए सिद्ध करके दिखाया। उनके इस पावन चरित्र के ऊपर और उनकी पूजा के ऊपर आक्षेप उठाना हमारे धर्म के लिए और मानवता के लिए भी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए, इतना ही मुझे कहना है। बिल्कुल, तो बेटे आप इसको देखिए, ये बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है जिसमें साईं बाबा ने कभी भी ये नहीं कहा कि तुम मुझे भगवान की तरह पूजा करो। ये पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने लिखा है
कि सीडी संस्थान के लोगों ने करोड़ों रुपए के घपले किए, सारे कांग्रेसी नेता है, हर ट्रस्ट में सिर्फ कांग्रेसी नेता है, कहीं बीजेपी का नेता नहीं है, कहीं आरएसएस के नहीं है, कहीं सनातन धर्मी नहीं है, सारे मुस्लिमवादी और करप्ट लोग बैठे हैं। इसमें लिखा है कि इसमें उन्होंने अरबों रुपए घोटाले किए। ये तो भक्तों की निष्ठा, भक्तों की भावना है ना कि कौन किसकी पूजा करेगा, कौन किसकी पूजा नहीं करेगा, इसका निश्चित करने वाले आप कौन होते हो? साईं बाबा की पूजा करने वाले, उनके भक्त पूजा करेंगे, उसमें बोलने वाले आप कौन होते हो? वो तो उनकी निष्ठा है, वो उनकी भावना है, उनके भीतर का सम्मान है, वो तो उनकी पूजा करेंगे, उनको मानेंगे। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि तुम हमको भगवान मानो। श्री समी का भाव है, साईं की पूजा की जाए या साईं की पूजा नहीं की जाए, देश भर में इस विषय पर जंग छिड़ी हुई है। ये जंग कब शांत होगी, सवाल यही बना हुआ है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, जय हिंद। मुझे हंसी आती है ऐसे ऐसे तांत्रिकों पे, दो तोता लेके घूमते होंगे रोड पे, बैठ जाते होंगे ये। एक ही बंदर वाला, मैं तो बंदर वाला नहीं, मैं तो फ्रेंच का दाढ़ी बना रखा है, ना हिंदू का पासा ना मुसलमान का पासा। ये जोकर लग रहा है, जोकर है ये, इस जोकर की बात मत सुनिए।